सुप्रभात बच्चों, मैं सीमा सिंह आपकी हिंदी टीचर। बच्चों, आज हम सीखेंगे पाठ 8, भरत मिला। माता पिता की आज्ञा का पालन करने हेतु राम वन में गए, उनके साथ सीता भी गई। भरत को इस बात का पता चलने पर वे अयोध्या के सिंहासन पर नहीं बैठेंगे, अपितु सिंहासन पर राम की खराऊं रखकर उन्होंने सेवक की भांति राजकाज किया। इसलिए कहा है, भाई हो तो भरत जैसा। तो इसमें देखते हैं क्या कहानी है। दृश्य एक अब देखते हैं। वन का एक भाग, कुटिया के बाहर राम और सीता बैठे हुए हैं। पास ही धनुष बाण लिए लक्ष्मण खड़े हैं। दृश्य एक, भाई लक्ष्मण जरा देखो तो, यह आवाज कहाँ से आ रही है? ये राम बोलते हैं। फिर लक्ष्मण इधर उधर देखकर, प्रभु सामने से कुछ लोग आते दिखाई दे रहे हैं। राम, कौन लोग हैं जरा ध्यान से देखो। लक्ष्मण ध्यान से देखकर, अरे यह तो भरत है, साथ ही बहुत से लोग हैं, हमें सावधान हो जाना चाहिए, शायद वे लोग लड़ने के लिए आ रहे हैं। राम हंसते हुए, भाई लक्ष्मण तुम तो बिना बात शक करने लगते हो, इतने वर्ष साथ रहकर भी भरत को नहीं पहचाना? ये राम बोलते हैं। फिर लक्ष्मण उत्तेजित होकर यानी गुस्से में होकर, पहचाना क्यों नहीं, उसी माँ का तो बेटा है जिसने वनवास दिलाया। सीता, इसमें बेचारे भरत का क्या दोष? लक्ष्मण, लीजिए सब लोग इधर ही आ रहे हैं। इस तरह से जब भरत वन में आते हैं अपने भाई राम को लेने के लिए, तो ये सब दृश्य होता है। जब वो लेने आते हैं उसके पहले लक्ष्मण राम से ये सब कुछ बोलते हैं।